का टाइटल है शर्मा जी की लग गई, और शर्मा जी की लगी हुई है फिल्म के अंदर। मैं एक पेपर चलाता हूँ, उसमें शर्मा जी का एक कॉलम है, वो सेक्स के बारे में कॉलम। नहीं आते यहाँ पर तो नहीं आते मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन छोटे छोटे शहरों में अभी भी बहुत आते हैं, मैं देखता हूँ लखनऊ के आसपास। तो यूपी बेस्ड कहानी है, छोटे शहर छोटे गाँव की। तो शर्मा जी वो सेक्स का कॉलम लिखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेक्स को लेके। लेकिन उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी बीवी जो है यंग सी, शर्मा जी 55 साल के हैं और जो बीवी है वो 28 साल की है, मुग्धा कोट से। तो मेरा आना जाना होता है उनके घर पे, तो कुछ बाद में ऐसी खिचड़ी पकती, कोई लफड़ा हो जाता है घर के अंदर मेरा और उनकी बीवी का। मेरे तो बहुत, मेरे जितने कालरा जी, विजेंद्र कालरा है मेरे साथ में, तो उनके साथ मैंने जितने सीन किए वो कमाल के, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुग्धा के साथ भी, मुग्धा ने भी अच्छी बड़ी फिल्में की, फैशन या ऑल द बेस्ट, अच्छी फिल्में कर चुकी हैं। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग सबके साथ काम करने का। सरोज जी बहुत सीनियर हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोल रही हैं, लेकिन मैं उसमें उनके साथ एग्री नहीं करता। सी, आप ना पॉलिटिशियन बोल के हर पॉलिटिशियन पे उंगली नहीं उठा, हमारे देश में अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। अगर एक अभी जैसे कोई भी बिजनेस में अच्छा बुरा तो होता ही है, हमारी फिल्म लाइन में भी कितने एक्टर हैं, सब कोई अच्छा है कोई सही नहीं है, जो सही नहीं है वो घर बैठा हुआ है, जो अच्छा है वो चल रहा है काम कर रहा है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी एक बिस्किट हम बनाते हैं, अब पार्ले जी चलता है, वो दूसरा वाला क्यों नहीं चलता? तो अच्छा बुरा तो हर फील्ड में है। ऐसे हमारे देश में पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो सारे पॉलिटिशियंस पे क्यों मैं सोचता हूँ कि ये उंगली उठाई जाती है, जबकि अच्छा काम भी करते हैं पॉलिटिशियंस, है ना? ये सब ब्लैकमेल करने वाला हिसाब है, कास्टिंग काउच कुछ नहीं होता, और ये फिल्म इंडस्ट्री में कम होता है। आप बाहर जाइए ज़रा, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, कॉरपोरेट में तो बहुत मिलेगा आपको। तो ये फिल्म इंडस्ट्री पे जो लोग उंगली उठाते हैं ना कास्टिंग काउच को लेके, कि फिल्मी लोग ही ऐसे होते हैं, फिल्मी लोग ही लड़कीबाजी करते हैं, फिल्मी लोग ही ऐसे गलत काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम मीडिया में हैं, 24 हर चौथे दिन कुछ ना कुछ छपता है हमारे बारे में। तो कास्टिंग काउच नहीं है, ब्लैकमेलिंग है। हाँ, ये सब ब्लैकमेलिंग है, ये सब लड़कियाँ खुद से कांड करती हैं और बाद में जाके ब्लैकमेलिंग करती हैं, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये गलत बात है।